सोमवार से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी राजस्थान की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस सत्र के इस बार भी खासा हंगामादार रहने के आसार बन रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने विधायक दल की बैठक रविवार को करें। विधानसभा का बजट सत्र 29 फरवरी से शुरू होगा और इस बार भी बजट सत्र में खासा हंगामा दिखने के आसार बन रहे हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी विधायक कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के बिगड़े बोल पर सरकार को जवाब देना ही होगा। जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां जनता के माध्यम से विपक्ष सरकार को जवाबदेह बना सकता है और उस भूमिका को निभाए। विधायकों के बिगड़े बोल पर सरकार के मंत्री भी मानते हैं कि गलत किसी को नहीं बोलना चाहिए, फिर चाहे वो विधायक हो या कोई और। ऐसी ही राय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी कहते हैं कि राजस्थान विधानसभा में बहस की अच्छी परंपरा रही है और कांग्रेस को उसे आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि विधानसभा इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है और जितनी अच्छी बहस की परंपरा इस राजस्थान की विधानसभा में रही है, मुझे विश्वास है कि सब लोग उस बहस की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले साल भी बजट सत्र के दौरान खासा हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने करीब करीब बजट सत्र के हर दिन सदन से वॉकआउट किया, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष के साथ ही सरकार की भी है। जीएसटी बिल को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस का बयान। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस जीएसटी बिल ला रही थी तो भाजपा ने किया कड़ा विरोध, वहीं अब भाजपा ला रही है ये बिल। जीएसटी बिल को लेकर भाजपा सरकार पर एक बार फिर से कांग्रेस निशाना साधते हुए दिख रही है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने फिर से इस मुद्दे को छेड़ते हुए कहा कि जीएसटी बिल कांग्रेस सरकार की देन है, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार उसमें बदलाव कर मनमाने के तरीके से लागू करने की लिए आमादा हो रही है। साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने जीएसटी बिल तैयार किया था तो भाजपा ने उस समय काफी सवाल खड़े किए थे, लेकिन आज जब भाजपा सत्ता में है तो वह जीएसटी बिल को एक बड़ी जरूरत बता रही है। सीआईआई के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सचिन पायलट ने जीएसटी बिल के सवाल में बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाए जा रहे बिंदुओं पर अमल करे तो कांग्रेस पार्टी जीएसटी बिल पास कराने में पूरी तरह से सहयोग करेगी। जीएसटी को जब हम लेकर आते थे तो भाजपा चिल्ला चिल्ला कर इसका विरोध करती थी, भाजपा के कई राज्य के मुख्यमंत्री इसका विरोध करते थे और लोगों की मेमोरी इतनी शॉर्ट है कि लोग भूल जाते हैं। और आज वित्त मंत्री बोलते हैं कि जीएसटी के बिना हम जी नहीं सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम लोगों के पास जब 7 साल सरकार में हम लोग थे, हमने जीएसटी के लिए बहुत कोशिश करी। जीएसटी बिल को लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं, वहीं सचिन पायलट ने कहा कि यदि जीएसटी बिल के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई जाती है तो कांग्रेस पार्टी भी उसे अपना समर्थन देगी। परिवहन विभाग राजधानी के वॉल्ट सिटी में 1 मार्च से डीजल से चलने वाले ऑटो पर पाबंदी लगाने की योजना बना रहा है, लेकिन विभाग की इस मंशा ने ऑटो चालकों के तेवर तीखे कर दिए हैं। परिवहन विभाग की मंशा है कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए और इसके हेरिटेज को बचाने के लिए जयपुर की जो चार दीवारी है उसमें डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा पर पाबंदी लगाई जाए। विभाग ऐसी मंशा जाहिर भी कर चुका है। रिक्शा का अभी तक 25 साल तक उसको परमिट रिन्यू करने का प्रावधान था, उसको घटा करके अब 10 साल तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन ये एकदम से लागू नहीं होगा, इसको फेज आउट किया जाएगा ताकि धीरे धीरे ऑटो रिक्शा वालों को भी दिक्कत नहीं आए, जनता को भी दिक्कत नहीं आए। तो 2017 तक इसकी एज 15 साल की जाएगी। लेकिन इस मंशा ने ऑटो चालकों के विरोधी सुर जाहिर कर दिए हैं। इसी को लेकर ऑटो चालक जल्द ही एक सभा बुलाएंगे। 1 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में होने वाली इस बैठक में ऑटो यूनियनों के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनके रोजगार पर संकट डालने की कोशिश की तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे, चक्का जाम भी कर सकते हैं। परिवहन विभाग के इस फैसले से प्रभावित होने वाली ऑटो चालकों की यूनियन का एक सवाल सबसे अहम ये है कि आखिर हर बार उन पर ही गाज क्यों गिराई जाती है। आईएल का मुद्दा उठा संसद में, कोटा की आईएल फैक्ट्री को रिवाइवल पैकेज जारी कर पुनर्जीवित करने की मांग को लेकर के सांसद ओम बिरला ने संसद में उठाई आवाज।
कोटा की आईएल का मुद्दा सांसद ओम बिरला ने संसद में उठाया। उन्होंने कहा है कि तकनीकी रूप से अत्यंत सक्षम व उन्नत ये इकाई केवल बकाया देनदारियों के चलते बंद होने के कगार पर आ गई है, जिससे शहर के हजारों परिवारों के समक्ष जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया। पूरा कोटा शहर आईएल संस्थान को संचालित करने के लिए एकजुट होकर के आंदोलनरत है। आईएल को एक आर्थिक पैकेज देकर पुनः संचालित किया जा सकता है। आईएल वर्ष 1991-92 से लाभ में नहीं चल रही है। इसे वर्ष 1994 में कंपनी को रुग्ण इकाई घोषित कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में स्वीकृत पुनरुत्थान योजना के अंतर्गत कंपनी संचालन के लिए मिलने वाली कार्यशील पूंजी उपलब्ध नहीं कराई गई। वर्तमान में कंपनी पर कर्मचारियों के संवैधानिक दायित्व व बकाया देनदारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं और जुलाई 2015 तक भविष्य निधि ग्रेच्युटी पर दे प्रीमियम बकाया वेतन अर्जित अवकाश पर दे प्रीमियम राशि की गणना की जाए तो लगभग 310 करोड़ की देनदारियां बकाया हैं। आईएल को लेकर के विपक्ष से लेकर के सामाजिक संगठन और शहर का आमजन हर कोई आवाज बुलंद किए हुए है। धरने प्रदर्शन से लेकर के मौन जुलूस मशाल जुलूस लगातार निकल रहे हैं। जब प्रदेश में जलदाय अमला अपने परंपरागत तरीकों के साथ साथ हाईटेक पद्धति का इस्तेमाल करने लगा तो ऐसा लगा पानी की समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन यह सिस्टम अपने शुरुआती दौर में ही फेलियर साबित होता नजर आ रहा है। पहले जलदाय अमला परंपरागत तरीकों से जल स्तर की जांच करने पर निर्भर था, लेकिन अब प्रदेश के जिलों में एक कदम आगे बढ़ते हुए लोगों को जल संकट से बचाने के लिए बकायदा हाईटेक पद्धति का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूजल के स्थल और दोहन पर नजर रखने के लिए अब जीपीएस का सहारा लिया जाने की योजना चल रही है, लेकिन यह पद्धति पूरी तरह से शुरू होने से पहले ही फेलियर साबित हो रही है। सरकार इस सिस्टम का फेल होने का कारण पानी के टैंकर सप्लायर्स को मान रही है। टैंकर सप्लायर्स पूरे जीपीएस सिस्टम को खराब कर दिया है, लेकिन सरकार ने इस बीमारी को दूर करने के लिए टैंकर सप्लायर्स को कड़वी दवा देने की ठान ली है। यदि जीपीएस सिस्टम बंद रहा तो सरकार टैंकर सप्लायर्स का पेमेंट रोक देगी। सारे जो पानी टैंकर्स जो सप्लाई करने वाले लोग हैं वो जीपीएस सिस्टम को ख़राब कर देते हैं, या उस वो बताते वक्त तो कहते हैं, जब टेंडर वर्क ऑर्डर होता है तब तो कहते हैं कि हाँ हमारे पास में है, और उसके बाद में वो सिस्टम चलता नहीं है। तो इसलिए इसको अब की बार हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर जीपीएस सिस्टम नहीं चला तो फिर हम लोग उसके अंदर पेमेंट नहीं होगा। इस पूरे सिस्टम पर नज़र बनाए रखने के लिए न केवल JNAN को शामिल किया है बल्कि जनप्रतिनिधि भी उस पूरे सिस्टम में शामिल है। पश्चिम बंगाल से बड़ी तादाद में नकली नोट पहुंच रहे हैं राजस्थान। भरतपुर के मेवात सहित प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं निशाने पर। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने किया खुलासा। पिछले 5 सालों में एसओजी ने करीब 17 तस्करों से 44 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। यही नहीं, प्रदेश की 34 प्रमुख बैंकों में एक साल में करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट पकड़े जा चुके हैं। आपको बता दें कि नकली नोट मामले में जयपुर एसओजी ने भरतपुर के कामा से जाकर हुसैन और मास्टर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। जाकर से 73,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। इससे पहले 22 फरवरी को भी भरतपुर स्टेशन से एक राजू उर्फ राजेंद्र नाम के एक आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया था, जिससे 3 लाख के नकली नोटों की खेप बरामद हुई थी। इस आरोपियों से पूछताछ में कई बड़े अहम खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्कर जाकर हुसैन ने पुलिस को बताया कि भरतपुर में वह 5 लाख के नकली नोट खपाने वाला था। अजमेर के नसीराबाद थाने की कुछ ही दूरी पर कैदी हुआ फरार। अवैध डोडा पोस्ट के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस अब कैदी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दे रही है तपश। नसीराबाद पुलिस थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर एक कैदी चालानी गार्ड को धक्का देकर बोलेरो जीप में फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक नसीराबाद सदर पुलिस थाने ने भैरूखेड़ा गांव में 20 सितंबर 2014 को राजू गुर्जर के घर पर दबिश देकर लगभग 1.5 करोड़ की लागत का 90 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया था। मामले में भोला उर्फ भोलू और उसके पिता राजू को गिरफ्तार किया गया था। तभी से यह कैदी सेंट्रल जेल में बंद था। इस बीच भोला ने नसीराबाद स्थित गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की परीक्षा के लिए आवेदन किया था। शुक्रवार की सुबह सेंट्रल जेल अजमेर से 2 पुलिसकर्मी कैदी भोलू को बस में लेकर नसीराबाद पहुंच गए और वहां से पैदल पुराना बस स्टैंड तक पहुंचकर महाविद्यालय जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगे। तभी अज्ञात लोग बोलेरो में आए और इस दौरान कैदी ने चालानी गार्ड को धक्का दिया और वहां से बोलेरो में बैठकर फरार हो गया। भोला उर्फ भोलू गुर्जर जो
थाना नसीराबाद सिटी सदर से एनडीपीएस एक्ट में बंद था, उसको परीक्षा दिलाने के लिए चालानी गार्ड लेके आई थी पुलिस लाइन अजमेर से, तो वो इन्होंने बताया कि वो उनको धक्का देके फरार हो गया। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में फरार हुए भोलू की धरपकड़ के लिए अब पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को पकड़ा जो अपने शरीर में सोना छुपा कर लाए थे। जयपुर एयरपोर्ट में शुक्रवार दोपहर हुई कस्टम विभाग की कार्रवाई शाम तक भी जारी रही। विभाग के मुताबिक जो तीन आरोपी उन्होंने पकड़े थे उनमें से दो महिलाएं थी और वो अपने शरीर में सोना छुपा कर लाए थे। कस्टम विभाग के मुताबिक कुल 348.9 ग्राम सोना उन्होंने इन लोगों से पकड़ा था जो तीन बिस्किट के फॉर्म में ये लोग लाए थे। सोने की कीमत कुल 9,72,000 आंकी गई। विभाग ने सारा सामान सीज कर लिया है। सोने के अलावा इन लोगों के पास कपड़ा और गुटखा भी नियमों में तय मात्रा से ज्यादा मिला। विभाग के मुताबिक करीब 1,21,000 रुपए का ये सामान भी ये लोग लाए थे, इसे भी सीज कर लिया गया। दोपहर को ये लोग दुबई से आ रहे थे। ये तीनों लोग दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इनका नाम रईसा मेहरुनिसा और मोहम्मद अजहर है। आरोपियों से पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इन लोगों का मूल व्यवसाय कपड़े और गुटखे का ही है और ये पहली बार है जब इन लोगों ने सोने की तस्करी की है। जयपुर एयरपोर्ट से ईस्ट अफ्रीका से बहुत सारे विमान डायरेक्टली आते हैं, इसलिए ईस्ट अफ्रीका से बहुत ज्यादा तस्करी जो है वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। चूरू में वियतनाम और कैलिफोर्निया की तर्ज पर होगी पिस्ते की खेती, कृषि मंत्री ने दी जानकारी। समीक्षात्मक बैठक के दौरान कृषि अधिकारियों के कामकाज पर जताई सख्त नाराजगी, कहा काट लेनी चाहिए ऐसे लापरवाह अधिकारियों की तनख्वाह। चूरू में वियतनाम, श्रीलंका और कैलिफोर्निया की तर्ज पर पिस्ता की खेती होगी, कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभागीय कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में जानकारी दी। कृषि मंत्री ने पिस्ता, जैतून, खजूर और एलोवेरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं उद्यान अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं स्थानीय कृषकों को ड्रैगन कृषि को अपनाने के लिए प्रेरित करने को कहा। बैठक के दरमियान कृषि मंत्री ने जिले में कृषि, पशुपालन, डेयरी और कृषि विपणन संबंधी प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई। पानी की कमी हो सकती है, भौगोलिक कमी हो सकती है, जागृति का अभाव हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं आज की इस बैठक से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ और जो मुझे अपेक्षा थी उस अपेक्षा के अनुसार यहाँ पर किसानों को लाभ सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पाया है। क्लस्टर योजना और किसान सेवा केंद्रों के लिए आए करोड़ों रुपए लैप्स होने पर कृषि मंत्री ने नाराजगी जताते हुए यहाँ तक कह डाला कि लापरवाह अधिकारियों की तो तनख्वाह काट लेनी चाहिए और सारा कामकाज निजी हाथों में सौंप देना चाहिए। बांसवाड़ा में बीजेपी विधायक ने जनजाति छात्रावास के वार्डनों को लगाई फटकार, कहा बच्चियों को सही से नहीं पढ़ाया तो सबको एक साथ निकाल दूंगा। बांसवाड़ा विधानसभा के बीजेपी विधायक धन सिंह रावत ने जिले के सभी जनजाति छात्रावास के वार्डनों को भी जमकर फटकार लगाई और कहा कि बच्चियों को सही ढंग से पढ़ाओ नहीं तो सबको एक साथ निकाल दूंगा। साथ ही विधायक ने कहा कि छात्रावास के लिए करोड़ रुपए मिल रहा है, इसके बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। यही नहीं, बीजेपी विधायक ने पूर्व मुख्यमंत्री और वागड़ के गांधी स्वर्गीय हरिदेव जोशी के कार्यकाल में आदिवासी जनता से पक्षपात करने का भी आरोप लगाया। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे विधायक ने पूर्व की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि तीन बार जिले से सीएम बनने के बाद भी इस इलाके में विकास नहीं हो सका। टाइगर T24 नहीं होगा रणथंबोर शिफ्ट, वन मंत्री ने कयासों पर लगाया विराम, उस्ताद की आक्रामकता कम नहीं होने तक रखा जाएगा पिंजरे में।
T24 टाइगर उस्ताद को रणथंभौर में फिर से शिफ्ट करने के कयासों पर एक बार फिर वन मंत्री राजकुमार रिणवा ने विराम लगा दिया। दरअसल पिछले उदयपुर दौरे के दौरान रिणवा ने संकेत दिए थे कि अगर उस्ताद स्वस्थ हो जाता है तो उसे फिर से रणथंभौर भेजने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन आज जब रिणवा उदयपुर प्रवास पर रहे तो उन्होंने साफ किया कि टाइगर अब स्वस्थ तो हो गया है लेकिन उसके स्वभाव में बदलाव नहीं हो पाया है। वन मंत्री ने उस्ताद की आक्रामकता कम नहीं होने का हवाला देकर यह साफ कर दिया कि उसे अभी पिंजरे में ही रहना होगा। उस्ताद के आक्रामक स्वभाव के चलते उसे नरभक्षी बताते हुए उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में पिंजरे में बंद कर दिया गया था। उसके बाद से टाइगर की रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन किए गए। बूंदी जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में बड़ा घोटाला सामने आया है। 90 लाख रुपए के अग्रिम भुगतान का कोई ब्यौरा नहीं मिला, उसके चलते जांच कमेटी ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भी सौंप दी है। बूंदी जिला अस्पताल में राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के रिकॉर्ड की जांच हुई तो घोटाला सामने आ गया। जांच में 90 लाख रुपए के अग्रिम भुगतान का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। जांच में हर स्तर का घोटाला सामने आया है। स्टॉक की एंट्री नहीं मिली तो चेक से किए जा रहे भुगतान के बिल वाउचर और लेने वाले का नाम नहीं लिखा था। जांच समिति ने जिला कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दिए। इधर अस्पताल अधीक्षक की दलील है कि उनके पास खर्चों के वाउचर है लेकिन कर्मचारी नहीं होने की वजह से रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाए। कुछ दिन पहले शिकायत हुई थी कि जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं वो नहीं अपनाए जा रहे, तो उससे तो एक टीम भेज के लेखों की जांच करवाई गई थी। तो जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं, जो भी रिवेन्यू होती है उसको अकाउंट फॉर किया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आरोपियों पर कब शिकंजा कसेगा और कब इन पर कार्रवाई होगी। लाखों रुपए की हेराफेरी सामने आ चुकी है, वहीं अब और भी बड़े घोटाले सामने आने की संभावना बनी हुई है। अब इंतजार है तो आरोपियों पर शिकंजा कसने का और कार्रवाई होने का। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दिखी अफरा तफरी की तस्वीर, राहत और बचाव करते नजर आए सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा के लिहाज से की जा रही थी मॉक ड्रिल। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी की यह तस्वीर जोधपुर रेलवे स्टेशन की है। स्टेशन पर लोग बदहास दिखे, कहीं प्लेटफार्म पर घायल दिखे तो कहीं लोग छटपटा रहे थे, जख्म से कराते ये लोग दिखाई दिए। धमाके के बाद मौके पर पहुंचे सुरक्षा बल ने इन जवानों ने लोगों की मदद के लिए जुट गए। असल में सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से की जा रही मॉक ड्रिल का हिस्सा था। यह मॉक ड्रिल इसलिए की जा रही थी ताकि ऐसे हालात से निपटने के लिए सुरक्षा से जुड़े लोग सबसे पहले तैयार रहें। इस मॉक ड्रिल करने के पीछे आम लोगों को जागरूक करना मकसद था। रेलवे की सुरक्षा विंग के सुरक्षाकर्मियों ने, कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में वो कर्तव्य दिखाए जिससे आम लोग जागरूक हो सकें। खास बात ये रही कि उत्तर पश्चिम रेलवे के इंस्पेक्टर भी इस मॉक ड्रिल में मौजूद थे। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। काले कोबरा को देख हर कोई दहशत में आ गया। ये नजारा है राजस्थान बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल के क्लासरूम का, जहां निकले इस काले कोबरा सांप ने ऐसा हड़कंप मचाया कि देखते ही देखते हॉस्पिटल में 2 घंटे तक काम ठप हो गया। काले और लंबे इस खतरनाक जहरीले कोबरा को देख क्लासरूम में मेडिकल पर रिसर्च करने वाले स्टूडेंट क्लास छोड़ भाग खड़े हुए। हॉस्पिटल के क्या मरीज और क्या मरीजों के रिश्तेदार, हर कोई हॉस्पिटल से बाहर भागने लगा। काफी मशक्कत के बाद इस काले कोबरा सांप को पकड़ा गया। सांप पकड़ने वाले का कहना था कि सांप बहुत और खतरनाक था, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं, उससे पहले ही सांप को पकड़ लिया गया। ऐसा पहली बार नहीं जब संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में सांप देखा गया। इससे पहले भी कई सैकड़ों सांप इस हॉस्पिटल के एक्सरे और दूसरे विभागों में निकल चुके हैं। भरतपुर शहर में वानर सेना का आतंक, शहर के अंदरूनी इलाकों के हालात बेहद खराब, छोटे बच्चे और महिलाएं खासी परेशान। भरतपुर शहर में इन दोनों वानर सेना का आतंक है। शहर के अंदरूनी इलाकों जैसे कोतवाली, नदिया, मोहल्ला, गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, नमक कटरा समेत कई इलाकों में बंदरों का जमावड़ा लगा रहता है, जो खासकर महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए परेशानी का सबब है। बहुत परेशानी है भाई साहब, बंदर को जो है खा जाते हैं, सामान ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, रोटी न छीन के ले जाए। इतना परेशान कर रखा है कि घर से निकलना दुश्वार हो गया है। मतलब छत पर जाते हैं, छत पर जाने का मतलब ही नहीं है। जब घर से बाहर निकल पाए, छत पर जाने का मतलब ही नहीं है। मतलब बच्चे घर से बाहर निकल नहीं सकते। पूरी तरह से निर्भीक हो चुकी इस वानर सेना पर नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते कई हादसे हो चुके हैं।
बंदरों की टोली से आए दिन लोगों को खासी परेशानियां हो रही है, लेकिन नगर निगम आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। मीडिया की खबर का एक बार फिर से हुआ बड़ा असर। टोंक के बदहाल सादत अस्पताल की चिकित्सा विभाग ने ली सूद। 38.67 करोड़ से सादत अस्पताल का होगा कायाकल्प। इंजीनियर टीम ने भी किया आज दौरा। टोंक के रामभरो से कहा जाने वाला सादत अस्पताल की अब जल्दी सूरत और सीरत बदलने वाली है। मुख्यमंत्री राजे ने करीब 38.67 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी है। इसके लिए इंजीनियर टीम ने अस्पताल कमेटी के साथ प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया है। करीब 6000 स्क्वायर मीटर एरिया का कंस्ट्रक्शन नया और जरूरी है और विभिन्न स्थानों पर रिनोवेशन की आवश्यकता होगी, इसकी कायाकल्प होने की पूरी संभावना है। इसके तहत पहले चरण में 27 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं, साथ ही दूसरे चरण के लिए भी 50 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। इस राशि से अस्पताल का मुख्य द्वार, अत्याधुनिक वेटिंग हॉल, बदहाल बड़े ब्रेन का जीर्णोद्धार, बेसुध पड़े टॉयलेट और बारिश से टपकती छत, सबका बारी बारी से विकास कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजे की इस सौगात की जिले भर में भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यह पूरी योजना धरातल पर कब उतर पाती है। जोधपुर में दिन दहाड़े वृद्ध महिला से लूट, पुलिसकर्मी बनकर दिया वृद्ध महिला को झांसा, सोने के कंगन उड़ाए। जोधपुर के सरदारपुरा नेहरू पार्क के पास आज सुबह पुलिसकर्मी बने युवकों ने वृद्धा को झांसा देकर उसके सोने के कंगन उतरवा लिए और चंपत हो गए। जानकारी के मुताबिक मकान नंबर 14 की रहने वाली 70 साल की कौशल्या शाह सुबह 10:15 बजे महामंदिर गई थी। मंदिर से वापस आते वक्त घर से कुछ ही दूरी पर एक बाइक सवार तीन युवकों ने महिला को रोका। तीनों में से एक युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और कहा कि शहर में बदमाश घूम रहे हैं, आप गहने पहनकर क्यों घूम रही हो। वृद्ध कौशल्या शाह उनके झांसे में आ गई। इस दौरान एक युवक ने वृद्धा के सोने के दो कंगन उतरवा लिए और अखबार के टुकड़े में बांधकर साड़ी के पल्लू से बांध दिया। कौशल्या शाह जब घर पहुंची तब उसे सोने के कंगन की जगह लोहे का तार मिला। मेरा कंगन लेके मेरे को कहा के लो माता जी कहाँ कर डाल ले कंगन। मैंने कहा ये मेरे कंगन है, मेरे घर जा रही हूँ। के कहाँ जा रहे हो बेटे भाई, खड़े रहो। तो पास बुलाया के मैंने कहा मैं पास नहीं आती हूँ, थोड़ा दूर हो गई मैं। फिर दूर होके फिर मेरे को कहा के वो कंगन कहाँ है। मैंने लेके मेरे को क्या पता के ये ऐसे करेंगे। फिलहाल पुलिस बुजुर्ग के बताए हुए हुलिये के मुताबिक बदमाशों की तलाश में जुटी है।